उसे कुछ याद नहीं है मिस्टर सूरी। वो उस रात मिस्टर पांडे के घर के बाहर क्या कर रही थी, वो चाकू उसके हाथ में कैसे आया, कुछ भी नहीं। अब भला ऐसी लड़की अपने पर लगे इल्जाम को कैसे समझ सकती है? डॉक्टर, आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं कि इस लड़की ने वो कत्ल नहीं किया है? मिस्टर सूरी, कत्ल के करीब 40 मिनट बाद पुलिस वहां पहुंची। ये लड़की चाहती तो वहां से भाग सकती थी, चाकू कहीं छुपा सकती थी, लेकिन इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। क्यों? वही तो, इस लड़की ने ऐसा कुछ क्यों नहीं किया? आखिर इस लड़की के दिमाग में चल क्या रहा था? उसका कहना है कि उसने एक कातिल को देखा है और उसका नाम बताने से वो डर रही है। This is ridiculous, doctor. आखिर मौके वारदात पर उस लड़की के अलावा वहां पर कोई और मौजूद भी तो नहीं था? हो सकता है रहा हो। This is crazy, doctor. आपके कहने का मतलब है कि कातिल ने इतना बेरहम कत्ल करने के बाद खून से लथपथ वो चाकू माया के हाथ में थमाकर वहां से चला गया और ये लड़की उसका फरमा बदार बनकर उस खून से लथपथ चाकू को पकड़कर पुलिस के आने तक वहां पर खड़ी रही। Is that what you're trying to say, doctor? No, Mr. Suri. माधव। Okay, माधव। माधव, हो सकता है कि माया उस वक्त गहरे सदमे में हो। In psychiatric terms, माया might have been in a fugue state. Fugue state? ये एक तरह की बेहोशी की हालत होती है, a kind of temporary amnesia. देखो, जैसे एक शराबी को कभी कभी ये नहीं पता चलता कि उसने नशे की हालत में क्या किया, वैसे ही माया कौन से नशे में थी? माया नशे में नहीं थी माधव, शॉक में थी, और हो सकता है इसी वजह से वो फ्यूग स्टेट में चली गई हो। वैसे ये फ्यूग स्टेट कितनी देर तक रहता है? एवरेज करीब 5 मिनट, पर मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं जिसमें ये स्टेट 6 महीने तक रहा हो। तो अगर आपका ये फ्यूग स्टेट माया पर एप्लीकेबल है तो हो सकता है माया सच कह रही है। हो सकता है। हेलो प्रभाकर, माधव। हाँ सुन यार, तू अभी अभी घर आ सकता है? हाँ, काम। मैं माया रॉय को डिफेंड कर रहा हूं। ओके, जल्दी आना। सी यू देन, बाय। डॉक्टर, अगर हम माया को बेकसूर साबित करने जा रहे हैं तो प्रोसिक्यूशन उसे कातिल साबित करना चाहेगा और कातिल साबित करने के लिए उसे कत्ल का मोटिव साबित करना होगा। अब आप माया से ये पता लगाइए कि क्या उसके पास इस कत्ल के लिए कोई मोटिव था। मोटिव? हमें मोटिव ही ढूंढना है। आखिर इस कत्ल की वजह क्या हो सकती है? आपने पता लगाया वो तीन स्टूडेंट्स जो माया के साथ पांडे साहब के घर पे रहते थे अब कहाँ है? वो सिमी तो नागपुर में कोई कोर्स कर रही है और विक्रम यहीं के बॉयज कॉलेज के हॉस्टल में रहता है। एक तीसरा लड़का भी तो था, मोहित। उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली अनुत्री साहब। ना तो उसने अपने आप को किसी कॉलेज में एनरोल करवाया है और ना ही सिमी या विक्रम को मालूम है कि वो कहाँ है। हमें पता लगाना होगा, हमें हर उस इंसान का पता लगाना होगा जो माया को जानता है, जो माया के दिल और दिमाग को जानता है। ओके, मैं चलता हूं। आई विल ट्राई टू गेट द इंफॉर्मेशन एज सून एज पॉसिबल। प्लीज। और हाँ, मैं विक्रम और सिमी से एक बार मिलना चाहूंगा। ठीक है, मैं उन्हें बुलवा लेता हूं। कब मिलना चाहेंगे आप? जल्द से जल्द। उसके दोस्त, उसके साथी, हर किसी का पता लगाना होगा। उसका बचपन जो आधा अनाथ आश्रम में गुजरा और आधा मिस्टर पांडे के घर में। मुझे हर उस लम्हे की तलाश है जिसने शायद माया को झिंझोड़ा हो। अगर हम कह रहे हैं कि माया दिमागी तौर पर नॉर्मल नहीं है तो यही बात हमें अदालत में साबित भी करना है। पर शुरुआत कहां से की जाए यार? बचपन से। अनाथ आश्रम? एग्जैक्टली। हादसे प्रभाकर पता करेगा, माया पर उन हादसों का असर हमें पता करना है, माया के दिल को टटोल कर। लेकिन माधव, ये तो तभी मुमकिन है जब माया को स्टेट हॉस्पिटल के हवाले किया जाए ताकि मैं उसे रेगुलरली मॉनिटर कर सकूं। लीव दैट टू मी। स्टेट वर्सेस माया रॉय, डिफेंस। योर ऑनर। प्रोसिक्यूशन। योर ऑनर। प्रोसीड। योर ऑनर, द स्टेट चार्जेस माया रॉय विद द क्राइम ऑफ मर्डर इन द फर्स्ट डिग्री। 17 नवंबर 1997 की रात को माया रॉय ने बहुत ही बेरहमी से कत्ल किया, एक ऐसे इंसान की जान ली जिसने उसे जीना सिखाया।
उन हाथों को काटा जिसमें पलकर ये बड़ी हुई, उन पांवों को घाव दिए जिसने उसे चलना सिखाया था। अपने प्रिंसिपल, अपने गार्डियन, एक बाप से भी बढ़कर चाहने वाले प्रोफेसर पांडे को मौत दी, बल्कि मौत दी नहीं, उन पर मौत थोपी। 36 बार उनके जिस्म के हर हिस्से को मौत से वाकिफ करवाया और फिर उनके तड़पते हुए जिस्म को ताकती रही, उसे धीरे धीरे मौत तक पहुंचता हुआ देखती रही और मन ही मन खुश होती रही। योर ऑनर, इस लड़की को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। द स्टेट डिमांड्स दैट माया रॉय बी डिनाइड बेल। माया रॉय, क्या तुम अपने पर लगे इल्जाम कबूल करती? योर ऑनर, मेरी क्लाइंट इस वक्त कोई जवाब नहीं देना चाहेगी। अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 20 क्लॉज 3, शी मेंटेन्स हर राइट टू रिमेन साइलेंट। बट व्हाई मिस्टर सूरे? दरअसल योर ऑनर, मेरी क्लाइंट इस वक्त कोई जवाब देने की हालत में है ही नहीं। मैं चाहूंगा कि माया का थरा साइकोलॉजिकल चेकअप हो और उसी के बाद उस पर कोई भी मुकदमा चलाया जाए। योर ऑनर, किसी पर मुकदमा तभी चलाया जा सकता है जब वो अपने पर लग रहे तमाम इल्जाम समझने की हालत में हो। योर ऑनर, आई रिफर टू द केस स्टेट वर्सेस मोहनलाल 1976। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया था जिसमें मोहनलाल पर कत्ल का इल्जाम लगाया गया था। वजह, मेंटली अनस्टेबल होने की वजह से मोहनलाल अपने पर लग रहे इल्जाम को समझ नहीं पा रहा था। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, माया रॉय को रंगे हाथों मौका वारदात पर गिरफ्तार किया गया है। उसके हाथ में खून से लथपथ चाकू मिला है और यह पुलिस को दिए गए उसके बयान इनसे यह कहीं नहीं झलकता कि वो मेंटली स्टेबल नहीं है। मिस्टर सूरी, To be honest, I don't understand कि आप ये psychological test क्यों चाहते हैं। माया रॉय के दिए गए बयान बिल्कुल normal हैं, there is no contradiction. तो फिर आपको ये क्यों लगता है कि वो दिमागी तौर से ठीक नहीं है? Your Honor, मैं सिर्फ माया रॉय का psychological checkup नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि माया रॉय की अब तक की दी गई तमाम statements reject कर दी जाए। Objection, Your Honor. Check what you're saying, Mr. Suri. Yes, Your Honor. ये तमाम स्टेटमेंट्स माया रॉय से तब ली गई जब उसके पास कोई डिफेंस लॉयर था ही नहीं। योर ऑनर, ये है माया की पहली इंटरोगेशन रिपोर्ट, विद योर परमिशन। पुलिस ऑफिसर, माया रॉय तुम्हारा कोई वकील है? माया कहती है जी नहीं। पुलिस ऑफिसर, क्या तुम चाहती हो कि सरकार तुम्हें डिफेंस लॉयर दे? माया, नो रिप्लाई। इस तहकीकात को यहीं रुक जाना चाहिए था, पर नहीं। मेरे इस केस को लेने से पहले माया को कितने ही बार इंटेरोगेट किया गया और अब वो स्टेटमेंट्स यहां अदालत में पेश किए जा रहे हैं। आई रिपीट योर ऑनर, ये तमाम स्टेटमेंट्स रिजेक्ट किए जाए। आई थिंक ही हैज अ पॉइंट। पर योर ऑनर, फिर भी साइकोलॉजिकल टेस्ट जरूरी नहीं है क्योंकि 3 स्टेट साइकियाट्रिस्ट माया रॉय को चेक कर चुके हैं और उनके हिसाब से वो बिल्कुल नॉर्मल है। योर ऑनर, ये टेस्ट भी इन इंटेरोगेशन की तरह तब किए गए माया के पास कोई डिफेंस लॉयर नहीं था। अब क्या आप स्टेट साइकियाट्रिस्ट की रिपोर्ट को चैलेंज करना चाह रहे हैं मिस्टर सूरी? जहां किसी की जान का सवाल हो, मैं किसी को भी चैलेंज कर सकता हूं योर ऑनर। माफ कीजिएगा, लेकिन गलती किसी से भी हो सकती है, स्टेट साइकियाट्रिस्ट से भी। ओके मिस्टर सूरी, एनीथिंग एल्स? जी योर ऑनर, इस केस की फर्दर रिसर्च के लिए डिफेंस अदालत से थोड़ी और मोहलत चाहेगा। ठीक है मिस्टर सूरी, इस केस की अगली हियरिंग 17 जनवरी को तय की जाती है। ये अदालत माया रॉय को स्टेट हॉस्पिटल ऑफिशियल्स के हवाले करती है और मिस्टर सूरी के केस लेने से पहले दिए गए माया के तमाम बयानात को रद्द किया जाए। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। टायर्ड दीपा, चाय पियोगे? दीपा प्लीज यहां बैठो। तुम अचानक? शशांक, मुझे मम्मी ने सब बता दिया है। पापा ने तुम्हें वो केसेस जबरदस्ती दिए थे और तुमने मुझे इसलिए कुछ नहीं बताया कि कहीं मेरा पापा से फिर झगड़ा ना हो जाए। यू रियली केयर अ लॉट फॉर मी, डोंट यू?
It's okay, Deepa. Anyway, I'm really glad that you're back. अच्छा अब ये बताओ कि आज की हियरिंग में क्या हुआ? मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया था दीपा, पर अब तुम वापस आ गई हो, मैं माधव से जरूर केस जीत जाऊंगा। डिफेंस लॉयर माधव है? हाँ। शशांक, I'd like to work with you on this case. We'll see to it कि माधव को मुंह की खानी पड़े। आज दीपा नहीं दिख रही। दीपा ऑफिस में है मोहन। दीपा ऑफिस गई है? यानी वापस शशांक के पास गई? मैंने कहा था ना आपसे सब ठीक हो जाएगा। शायद तुम ही उसे समझा सकती थी। समझा तो आप भी सकते थे, लेकिन मेरी बात उसकी समझ में कहाँ आती है? या शायद मैं उसे ठीक तरह से समझा नहीं पाता, या लगता है तुम्हारे समझाने की अदा ही कुछ और है। अगर ऐसा है मोहन, तो मैं आपको कभी कोई बात समझा क्यों नहीं पाती? अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। मुझे आपसे एक बात कहनी मोहन। किस बारे में? दीपा के बारे में, दीपा और माधव के बारे में। माधव? मुझे भी लगता था कि माधव और दीपा एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन जब दीपा ने शशांक को ज्वाइन कर लिया तो मुझे लगा कि शायद मैं गलत सोच रहा था। लेकिन माधव इस हद तक चला जाएगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था। हर असिस्टेंट एमके कुलश्रेष्ठ नहीं होता मोहन, और ना ही हर बॉस की बेटी देविका होती है। माधव में आपने हमेशा अपनी झलक देखी, और शायद यही आपकी गलती थी। माधव एमके नहीं है, एमके कभी इतना नहीं गिर सकते। आपको माधव से बात करनी होगी मोहन। वो तो मैं करूंगा ही, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि दीपा ने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया। यानी अगर तुम ना रहो। बेटियां हर बात बाप से नहीं कर सकती, मां से ही कर पाती हैं। माया, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। माया, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। माया, तुम सिमी, विक्रम और मोहित के काफी करीब थी ना? मोहित अब कहां है? माया, पता नहीं। माया, तुम मोहित से प्यार करती थी? बताओ माया, क्या तुम मोहित से प्यार करती थी? क्या पांडे साहब को इस बात की खबर थी? माया, जब मोहित अचानक गायब हो गया तो क्या पांडे साहब ने उसे ढूंढने की कोशिश की? कम ऑन माया, कुछ बोलो प्लीज। वो कुछ नहीं बोलेगी, वो कुछ नहीं बोलेगी। इस लॉयर को साफ करके तू मुझे करना चाहती है, मुझे बात ही पता चला देगी तू। माया छोड़ो मुझे, गाली मत, माया मत बोल मुझे। माया छोड़ो, छोड़ दिया। जानते हैं मिस्टर सूरी, मैंने डॉक्टर को क्यों छोड़ा, क्योंकि मैं आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ। कौन हो तुम? हेलो मिस्टर सूरी, वर्षा। वर्षा,
कौन वर्षा? बस वर्षा, यूं समझो माया का दूसरा चेहरा। दूसरा चेहरा? लेकिन तुम अब तक सामने क्यों नहीं आई? क्योंकि कोई खतरा नहीं था, पर फिर मुझे लगने लगा कि तुम्हारी और माया की दोस्ती जरूरत से ज्यादा बढ़ रही है। और तुम इस बात से घबरा गई? वर्षा, तुम माया के साथ कब से हो? हमेशा से। हमेशा से? क्या माया तुम्हारे बारे में जानती है? नहीं, यही तो राज की बात है। मैं उसके बारे में सब कुछ जानती हूँ और वो मेरे बारे में कुछ भी नहीं। पर तुम ये सब सवाल क्यों पूछ रहे हो? मुझे पकड़ना चाहते हो? और मैं तुमसे दोस्ती करने चली आई थी। मैं भी तुमसे दोस्ती कर रहा हूँ वर्षा। लेकिन तुम माया से इतनी नफरत क्यों करती हो? कमजोर है, हमेशा मुझे आना पड़ता है उसकी मदद को। कोई मारे तो दर्द होता है। जवाब देना भी चाहती है पर हिम्मत नहीं है, फिर मुझे आना पड़ता है उसकी मदद को। और माया क्या करती है? जाकर किसी कोने में छुप जाएगी, देखेगी तक नहीं। अरे जिसकी मौत चाहती हो उसे मरते देखो तो सही, तभी तो मजा आएगा। पर नहीं, बुरा देखो मत, बुरा सुनो मत, बुरा कहो मत, कान बंद आंखें बंद, इतनी भी शराफत किस काम की? हाँ, माया इस वक्त कहाँ है? छिपी होगी इसी जिस्म के किसी कोने में। उसे बाहर आने के लिए क्या करना होगा? लड़ना होगा मुझसे, अपने आप से। मिस्टर पांडे को तुमने मारा? कौन कहता है मैंने मारा? तो फिर किसने मारा? किसी ने नहीं। किसी ने नहीं? नहीं, उसे तो बस सजा मिली है। सजा? हाँ सजा, उसके चेहरे का नकाब उतर गया है। कौन सा नकाब? पांडे बहुत गिरा हुआ आदमी था, उसे सजा मिलनी ही थी। पर सजा देने के लिए भी हिम्मत चाहिए। आंखें बंद करने वाले क्या सजा देंगे? सब जान जाओगे, धीरे धीरे सब जान जाओगे। वर्षा, मुझे उस रात के बारे में बताओ। क्या बताऊं, हमेशा की तरह मुझे ही सारा करना पड़ा। और फायदा क्या हुआ? कुछ भी नहीं, बुत बनकर वहीं खड़ी रही पुलिस के आने तक। सारा काम मैं करूं, उसे तो सिर्फ भागना होता है और ये वो भी नहीं कर पाती है, पागल कहीं की। इसलिए तो मैं से नफरत करती हूं। कुछ नहीं होगा इसका, खुद भी मरेगी मुझे भी मरवाएगी। पर मैं तुम्हें इतना सारा क्यों बता रही हूं? तुम तो उसे बताओ कि ना मेरे बारे में। हाँ, तुम उसके दोस्त हो, मेरे नहीं। वर्षा, मैं तुम दोनों का दोस्त हूं। तुम बिल्कुल झूठ बोल रहे हो, तुम सिर्फ उसे बचाना चाहते हो, मुझे नहीं बचाना चाहते हो। मैं तुमसे क्यों बात करूं? क्यों बात करूं मैं? माधव, डॉक्टर, मैं तो अभी वहीं पे बैठी हुई थी, मैं यहाँ कैसे आ गई? डॉक्टर, डॉक्टर मुझे क्या हो रहा है? माया, डॉक्टर, माया, डॉक्टर मुझे क्या हो रहा है?